हेलो गाइस, वेलकम टू द फैंटेसी शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। और आज बात करेंगे एशिया कप के मैच नंबर 6 की, जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। और इस टूर्नामेंट के लिहाज से ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन टीम जो कि पहले से क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए, इंतजार कर रही है अपने ओपोनेंट्स का कि पाकिस्तान और श्रीलंका में से कौन सी वो टीम होगी जो कि मिलने वाली है फाइनल्स में। ऐसे में रितिक, क्या लगता है पाकिस्तान या श्रीलंका मैच में जाते हुए किस टीम का पलड़ा भारी नजर आता है? मुझे लगता है कि फिलहाल श्रीलंका का पलड़ा भारी है, ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल में, खैर पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका दूसरे नंबर पे है, नेट रन रेट स्लाइड बेटर है पाकिस्तान से। पर आप एक और चीज़ की तरफ ध्यान दें तो श्रीलंका का इसलिए पलड़ा भारी क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स श्रीलंका के पास हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो हमेशा से ही वंडर्स प्रोड्यूस करती आई है पेसर्स में। तो मुझे लगता है कि जो इनके नसीम शाह हैं और हैरिस रॉफ है वो बाहर बैठे हुए हैं, तो उनके अलावा जो अभी कुछ कम एक्सपीरियंस वाले तेज़ गेंदबाज आएंगे, तो उस लिहाज से भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी है। बल्लेबाजी में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी। बिल्कुल, अब ये तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन आपको बताएंगे इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम, दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग इलेवंस क्या होंगी, वेदर की क्या कंडीशन है, खासकर पिछले कुछ मैचेस में लगातार ही हर मैच में बारिश देखने को मिली है, तो क्या कंडीशंस होंगी, पिच किस तरह से बिहेव करने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर CG फैंटेसी शो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदर की। पूरे टूर्नामेंट में हमने काफी बात की है वेदर की कि किस तरह से कितने चांसेस हैं बारिश आने के, तो क्या लगता है इस मैच में कैसा रहेगा वेदर? देखिए, कोलंबो का वेदर श्रीलंका में बहुत एवर चेंजिंग है। आप देखो पिछले मुकाबले में इंडिया श्रीलंका जो मुकाबला था, बीच में एक बार बारिश आई थी, उसके अलावा पूरे मुकाबले में बारिश ही नहीं आई। अब यहाँ पर जो चांसेस की बात करो, 14 सितंबर को जो चांसेस हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मुकाबले में, 80% बारिश के चांसेस हैं और ह्यूमिडिटी भी 80% के आसपास ही रहने वाली है। और इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो दिन में 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात में मुझे लगता है 25 डिग्री सेल्सियस। एक इंपॉर्टेंट बात साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अगर मुकाबला वॉशआउट हो जाता है, कि अगर पूरे दिन बारिश आती रहती है, तो श्रीलंका थ्रू हो जाएगी फाइनल्स के लिए, क्योंकि उनका नेट रन रेट स्लाइड बेटर है पाकिस्तान से पॉइंट्स टेबल में, और साथ ही साथ वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है जबकि पाकिस्तान है तीसरे नंबर। बिल्कुल, ये बात सुनने के बाद तो पाकिस्तानी फैन जरूर होप कर रहे होंगे कि पूरा मैच देखने को मिले और उनकी टीम को पूरा चांस मिले फाइनल्स में जाने का और टीम इंडिया के साथ एक और हाई वोल्टेज मैच खेलने का। अब ये तो हो गई वेदर की बात, अब अगर बात करें पिच की, तो पिछले मैच में हमने देखा जो कि इंडिया के साथ खेला गया था श्रीलंका का, कि पहली इनिंग्स में जहां श्रीलंका स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, तो दूसरी इनिंग्स में इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स थे वो भी काफी ज्यादा गेम में आए। तो रितिक, क्या लगता है इस मैच में कौन एक अपर हैंड रखने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिच की कंडीशन की बात करो, हमने दो मुकाबले यहां पर देख लिए सुपर फोर के, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डस्की है पिच, डिटोरिएट भी काफ़ी हो चुका है, यानी कि वेयर एंड टेयर हो चुका है, क्योंकि बल्लेबाज आते हैं उनके स्पाइक्स भी लगते हैं और सब चीज़ें होती हैं, और जिस हिसाब से वेयर एंड टेयर बढ़ चुका है पिच पे, स्पिनर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा, स्लोअर गेंदबाजों का रोल काफ़ी ज़्यादा है, टू पेस विकेट हो चुका है पूरा, यहाँ पर टू पेस विकेट होने की वजह से मैच काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाता है। मुझे लगता है कि शुरुआत में 1-10 ओवर्स में नई गेंद से मदद मिलेगी, क्योंकि नई गेंद हार्ड होता है और कुछ कुछ जगहों पर हो सकता है घास छोड़ी जाए, अगर मान लीजिए तो पेसर्स के लिए थोड़ी असिस्टेंस हो जाएगी। बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाने का जो माहौल बनेगा वो मुझे लगता है 1-10 ओवर्स में बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तब बटोर लो जितने रन बटोर सकते हैं शुरुआत में पहले पावर प्ले में। उसके बाद फिर मिडल ओवर्स, मान लो पहली इनिंग के स्पिनर्स का रोल आ जाएगा, सेकेंड इनिंग्स में तो स्पिनर आ ही जाएंगे, क्योंकि साथ में ड्यू भी आता है, पर फिर भी इतना भी नहीं है ड्यू श्रीलंका में कि जो हमारे गेंदबाज है, जो भी गेंदबाज है वो ग्रिप ना कर पाए। तो मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग की मिडिल इनिंग से और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा होगा। बिल्कुल, स्पिनर्स का रोल ज़्यादा होगा और स्पिनर्स पर नज़रें रखनी होंगी, दोनों ही टीमों के पास एक से बढ़कर एक स्पिनर्स हैं। अब अगर इसके बाद बात करें दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो पाकिस्तान का एक इंजरी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा नसीम शाह और हैरिस रॉफ दोनों ही तेज गेंदबाज पूरे मैच में भाग नहीं ले पाए थे, लगातार अंदर बाहर उनका चालू था। और इसके बाद आगा सलमान की भी बात करनी जरूरी है, जिनके मैच के दौरान हेलमेट पर बॉल लगी थी और लाइव मैच में उनको खून भी देखा गया था उनके हेलमेट पर। तो रितिक, क्या लगता है कितने चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं खासकर पाकिस्तान की टीम? देखिए, मुझे लगता है कि चेंजेस तो काफ़ी हो सकते हैं, मेनली तीन मान के चलो, आगा सलमान वाला एक चेंज और उसके अलावा नसीम शाह और हैरिस रॉफ वाला चेंज। तो उनके उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो अपनी प्लेइंग 11 बनाई है उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी लगती है, फ़खर जमान, इमाम उलक, ये दोनों ओपनर्स हैं ही, उसके अलावा तीन नंबर पे बाबर आजम, चार पे मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद पाँच पे, फिर छः पे हमने आगा सलमान की जगह पर सौद शकील को रखा है और शादाब खान, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज़, फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहिन शाह अफरीदी, जमान खान। हम शाहनवाज धानी के बारे में भी सोच सकते थे, लेकिन हमने जमान खान को इसलिए रखा है
क्योंकि ज़मान खान का डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, पाकिस्तान के जो लीग्स होती है डोमेस्टिक वगैरह उन सब में, तो ज़मान खान पर हमने दांव खेला, तो कुछ ऐसी दिख सकती है पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल, ये तो बात हो गई पाकिस्तानी टीम की। अब बात कर लेते हैं उनके ओपोनेंट्स यानी कि श्रीलंका की, जो कि लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेल रही थी और फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई थी मैच पर, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बल्लेबाजी ने निराश किया। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं श्रीलंका की भी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो बात करें ओपनर्स की, तो पथुम निसंका और दिमुथ करुणारत्ने की होगी ओपनिंग पेयर, जिसके बाद आएंगे कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दशुन शनका, दुनित वेलालेग, महीश तीक्ष्णा, कसुन रजिथा और मथीसा पथिराना। ये तो होगी श्रीलंकाई टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। और गाइस फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर कर लें, क्योंकि फाइनल मैच इसके बाद आने वाला है जहां इंडियन टीम वेट कर रही है अपने ओपोनेंट्स का, वो भी हम जरूर कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको बेस्ट फैंटेसी टीम प्रोवाइड करें। और ये बजर इशारा है कि फाइनली समय आ गया है जब हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंकाई टीम की बेस्ट फैंटेसी टीम की। तो चलिए गाइस बिना देरी के बनाते हैं हमारी आज की बेस्ट फैंटेसी टीम। तो चलो गाइस अब बना लेते हैं आज की बेस्ट फैंटेसी टीम। तो ऋतिक, पहला प्लेयर कौन सा है? देखिए पहले प्लेयर की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से मथीसा पथिराना को हम चूज कर लेते हैं पहले प्लेयर, क्योंकि हो सकता है कि मिडिल ओवर्स में इनको गेंदबाजी दी जाए और ये अपनी जो कटर्स डालते हैं ऑफ कटर्स और बीच में कभी कभार लेग कटर भी डाल देते हैं, तो स्लो पिच रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टू पिच विकेट रहने वाला है, तो मुझे लगता है सफलता इनके नाम आ सकती है। इस वजह से हमने मथीसा पथिराना को यहाँ पर अपनी टीम में चुना है। बिल्कुल, ये तो गए पहले हमारे आज के फास्ट बॉलर। उसके बाद बात करते हैं आज के दूसरे फास्ट बॉलर की, जो कि होंगे शाहीन शाह अफरीदी। जरूर इंडिया के सामने इस बॉलर का दिन अच्छा नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा रन्स इस बॉलर को पड़ गए, लेकिन एक क्वालिटी बॉलर है। जब भी ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी और नई बॉल इनके हाथ में होगी तो हमेशा आपको स्विंग करा कर देंगे नई बॉल से ज़्यादा आपको विकेट भी लेकर देंगे, तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को इस टीम में रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करते हैं जो हमने चूज़ किए हैं, वो हैं महीश तीक्ष्णा। महीश तीक्ष्णा को इतनी ज़्यादा सफलताएं मिल नहीं रही हैं इस पूरे सुपर फोर्स में, या बात करो ग्रुप स्टेज में भी इतनी ज़्यादा नहीं मिली, पर लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई और ही रंग में होंगे महीश तीक्ष्णा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी तक जिसने ज़्यादा विकेटें ली हैं, या कोई भी क्लैश देखो आप, पाकिस्तान इंडिया की क्लैश देखो जिसमें कुलदीप यादव चाइना मैन आ जाते हैं और एक तरीके से वो मिस्ट्री स्पिनर ही हो गए, तो मुझे लगता है उन्होंने 5 विकेटें ली थी पाकिस्तान के खिलाफ, फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ कुलदीप यादव ने 4 विकेटें ली थी, वैसे ही मुझे लगता है कि महीश तीक्ष्णा का भी रोल वैसा होने वाला है। अगर अपनी जो पेस है उसको थोड़ा सा धीमा रखें और विकेट टू विकेट करें, तो मुझे लगता है महीश तीक्ष्णा को सफलता जरूर मिलेगी, इसी वजह से इनको भी हमने रखा। बिल्कुल, महीश तीक्ष्णा को हमने टीम में जगह दी है। अब बात करेंगे एक और स्पिनर की, जो के होंगे शादाब खान। पाकिस्तान के एक बहुत हैंडी ऑलराउंडर है जिनकी काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है इस टीम के मिडल ऑर्डर में, क्योंकि जब जब इस टीम का टॉप ऑर्डर फंसता है तो शादाब खान हमेशा मिडल ऑर्डर में आकर रन जरूर बनाते हैं। इसके अलावा उम्मीद है कि पिच काफ़ी स्पिन फ्रेंडली होने की उम्मीद है, तो शादाब खान ना सिर्फ आपको बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से भी अच्छे पॉइंट्स दिलवा सकते हैं। बिल्कुल, एक और ऑलराउंडर की बात करते हैं जिनको टीम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हमने शादाब रखे, दूसरी तरफ हम श्रीलंका के ऑलराउंडर रख लेते हैं धनंजय डिसिल्वा, जिनको DDS भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप बात करो तो बल्लेबाजी से भी इंपॉर्टेंट नॉक्स खेल लेते हैं, क्योंकि अब प्रेशर मोमेंट में प्रेशर मैचेस में किस तरीके से उन्होंने 41 रन की पारी खेली पिछले मुकाबले में इंडिया के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि धनंजय डिसिल्वा गेंदबाजी से भी ऑफ स्पिनर है तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जो है एक आध लेफ्टी भी हमने रखा है, इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखो तो धनंजय डिसिल्वा भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल खेलेंगे स्पिन कराने से भी और साथ में बल्लेबाजी से भी। बिल्कुल, अब एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं जिनका नाम देखकर शायद काफ़ी फैंस चौंक जाने वाले हैं। हमारी टीम में अगले प्लेयर होंगे सौद शकील। ज़रूर ये प्लेयर अभी तक पाकिस्तान की टीम में नहीं आ पाया है, लेकिन अगले मैच में, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में काफ़ी इंजरी कंसर्न्स हैं, इस प्लेयर को ज़रूर टीम में जगह मिल सकती है। और हमने इस प्लेयर को इसलिए टीम में जगह दी है क्योंकि सौद शकील पाकिस्तानी टेस्ट टीम के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। स्पिन को ये प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है और टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जब जब स्पिन कंडीशन सामने आएंगी, जब जब स्पिनर सामने आएंगे, इस बैटर से बहुत उम्मीदें होंगी पाकिस्तानी टीम को, इसलिए हमने इस टीम में इनको जगह दी है। बिल्कुल, एक और प्लेयर हम चूज करते हैं, वो है सदीरा समरविक्रमा। तो मुझे लगता है कि श्रीलंकन टीम के लिए मिडल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट है सदीरा, और हमने इनको उम्मीद करके ये रखा है कि बड़ी पारी ये खेलेंगे और टीम का अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है श्रीलंकन टीम का, जो कि अभी तक हो ही रहा है, काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, तो सदीरा समरविक्रमा पे पूरा का पूरा भरोसा है हमें। बिल्कुल, समरविक्रमा पे भी भरोसा है और उनके अगले ही बैटर हैं चरित असलंका।
एक ऐसे बॉलर हैं जिसने इंडियन टीम को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इनके ओडीआई करियर में सिर्फ एक विकेट था, लेकिन इंडियन टीम के जब सामने आए तो चार विकेट चटका दिए और सारे फैंस को सरप्राइज कर दिया कि चरित असलंका भी बॉलिंग करना जानते हैं। जरूर आपको बॉलिंग करके देंगे, अच्छी ऑफ स्पिन डालते हैं, साथ में मिडिल ऑर्डर में आके अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर पैकेज है आपकी टीम में जो आपको दोनों डिपार्टमेंट से काफी अच्छे पॉइंट दे सकता है। बिल्कुल, अब टॉप ऑर्डर में से एक बल्लेबाज को उठा लेते हैं, श्रीलंका टीम के कुशल मेंडिस को। खैर विकेट कीपिंग की भूमिका भी निभाएंगे श्रीलंका के लिए, पर बल्लेबाजी से टॉप ऑर्डर में से आपको एक बल्लेबाज रखना बहुत जरूरी है, चाहे आप पाकिस्तान में से रखिए चाहे आप श्रीलंका में से रख लिए। पर हमने अपनी टीम में श्रीलंका में से एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रखा है, 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेगा श्रीलंका के लिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर का मिक्सचर और साथ में मिडिल ऑर्डर का मिक्सचर जब पार्टनरशिप बन के बड़ा होता जाता है, मुझे लगता है तब जाकर जो है टीम बड़ा स्कोर बना पाती है, पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है कुशल मेंडिस में भी ये आपको खूबी दिखेगी और मुझे लगता है मुकाबले में वो जबरदस्त परफॉर्म भी करेंगे। बिल्कुल, ये तो हो गई हमारी टीम के 9 प्लेयर्स की बात। अब बात कर लेते हैं हमारी टीम के 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन। सबसे पहले हमारी टीम में वाइस कैप्टन जगह मिली है 20 साल के युवा दुनित वेलालेगे को। पिछले 2 दिनों में इस खिलाड़ी का नाम पूरी दुनिया जान चुकी है, क्योंकि इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर के सामने इस बॉलर ने जो गेंदबाजी की है पूरी तरह से हिला के रख दिया, 5 विकेट चटकाए, और इतना ही नहीं जब बैटिंग करने आए तो 40 रनों का एक इंपॉर्टेंट योगदान दिया बैटिंग से भी। इसीलिए हमने इस खिलाड़ी की प्रतिभा में आज भी भरोसा जताया है और इन्हें हमारी टीम में एज वाइस कैप्टन जगह दी है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की, जो कि होंगे कप्तान। बाबर आजम पर फिर हमने एक और बार भरोसा जताया, चाहे इनके पिछले कुछ मैचेस में फ्लॉप प्रदर्शन रहे, भारत के खिलाफ नहीं चल पाए, जरूर नहीं 10 रन बनाकर आउट हो गए थे सिर्फ बाबर, पर यहाँ पर इसलिए भरोसा जताया क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बाबर भी जो है कम नहीं है। बाबर भी परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ अंडर प्रेशर मैचेस होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो बाबर निकल के निखर के आते हैं, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त है। जैसे मैंने कुशल मेंडिस के बारे में बोला था कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज यहाँ पर रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि 1 से 10 ओवर्स में ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी नींव कैसी होगी, आप फाउंडेशन कैसी रखते हैं पावर प्ले के ओवर्स में। तो बाबर को भी रखा है, बाबर भी 3 नंबर पर आते हैं, और दूसरी तरफ आप कुशल मेंडिस देखे श्रीलंका के लिए भी 3 नंबर पे आते हैं। ओपनर्स पे हमने जो है दाव नहीं खेला इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए जल्दी से जल्दी वो मुझे लगता है कि इनकंसिस्टेंट है दोनों तरफ के ओपनर्स अभी फिलहाल तक, तो क्योंकि एजेस दे रहे हैं, स्लिपर कैच हो रहे हैं, बिहाइंड द विकेट कैच हो रहे हैं, तो लगातार हमने 3 नंबर पर ज़्यादा भरोसा किया है, फ्लेक्सिबल रहते हैं, और ये है हमारी पूरी की पूरी टीम। एक बार मैं आप सभी को पूरी की पूरी टीम पढ़ के बता दूँ, तो बाबर आजम कैप्टन, दुनित वेलालेगे हमारे हैं वाइस कैप्टन, कुशल मेंडिस, चरित असलंका, सदीरा समारा विक्रमा, सौद शकील, धनंजय डिसिल्वा, शादाब खान, मतीशा पतिराणा, महेश थीक्षणा, शाहीन शाह अफरीदी। आप देख सकते हैं ऑलराउंडर्स, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स और स्पिनर से भरी हुई हमारी टीम, और सिर्फ 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमने रखे हैं यहाँ पर, तो ये है जबरदस्त टीम। तो गाइज ये थी हमारी आज की बेस्ट फैंटेसी टीम, जो कि आप बना सकते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका मैच में। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल CG फैंटेसी शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जहां टॉस के बाद आपको इस मैच की अपडेट मिलने वाली है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी वीडियोस के लिए लगातार बने रहें क्रिकेट ज्ञान। We'll be right back.